नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिकल टेक्नीशियन चैनल में। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं चिलर से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल और कंट्रोलिंग पार्ट होता है उसकी सर्विस किस तरीके से करी जाती है। अभी तक आपने पिछले कई वीडियो में देखा होगा कि हम जो चिलर की सर्विस करते हैं उसके अंदर आपने कंडेंसर की कॉइल वॉश या साइलेंट ट्यूब टाइप कंडेंसर की जो सर्विस है उसको देखा है, प्रेशर टेस्ट देखा होगा, लीक टेस्ट देखा होगा, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। और इसी में एक और चीज़ इंक्लूड होती है चिलर की जो सर्विस होती है, वो है इलेक्ट्रिकल पार्ट या इलेक्ट्रिकल जो पैनल होता है उसके अंदर कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल दोनों आ जाता है, उसकी सर्विस किस तरीके से करी जाती है। और ये भी एक चिलर के सर्विस का ही हिस्सा होता है। जब आप चिलर के और पार्ट्स में काम कर रहे होते हैं, उसकी मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, उसकी सर्विस कर रहे होते हैं, तो आपको इस इलेक्ट्रिकल पैनल या कंट्रोलिंग पैनल को भी सर्विस करना होता है, इसको भी मेंटेनेंस देनी होती है। अब वो किस तरीके से होगी आप इस वीडियो में उसको देखने वाले हैं और क्या क्या इसके अंदर आता है आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगेगा। तो ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये इसका इलेक्ट्रिकल पैनल है जिसके अंदर आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर देखने को मिल जाता है। स्टार्टर आपको पता है जो स्टार्टिंग का फ्लक्चुएशन होता है करंट और वोल्टेज का उसको कम करता है। ये कॉन्टैक्टर आप सामने देख पा रहे हैं, एक कॉन्टैक्टर खुल भी चुका है इसमें से। और इन्हीं कॉन्टैक्टर की जो किट होती हैं, किट क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कॉन्टैक्टर किट के थ्रू बनता है, या ये कह लीजिए जो आपस में कॉन्टैक्ट होता है इनके बीच में किट लगी होती हैं, उसके आपस में चिपकने के बाद ही जो सप्लाई है वो एक सिरे से दूसरे सिरे में पहुंच पाती है। इसके अंदर एक मेन MCC भी है, उसके बाद तीन आपको कॉन्टैक्टर देखने को मिलेंगे जो कि साइज से अलग अलग हैं, और उसके बाद आपको छोटे छोटे कॉन्टैक्टर और देखने को मिलेंगे, MCB देखने को मिलेगी, ओवरलोड रिले आपको देखने को मिलेगी, टाइमर देखने को मिलेगा। और उसके बाद जब कंट्रोलिंग की बात करेंगे उसके अंदर आपको PLC या मैग्नम देखने को मिल जाता है, वो वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे और उसमें सर्विस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये वो कॉन्टैक्ट वाला हिस्सा है जो आपस में चिपकते हैं कॉन्टैक्टर में, और इसी के ऊपर कार्बन आने के वजह से ये कॉन्टैक्टर अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। तो इसके आगे एक सिल्वर की कोटिंग रहती है, उसको साफ़ करना होता है। अगर आप दोनों सिरों पे देख पा रहे हो, आगे चल के आप डिटेल में देखेंगे सारा, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इनको अच्छे से साफ़ करके वापस से हमें कॉन्टैक्टर किट को कॉन्टैक्टर पे लगाना होता है और ये अच्छे से वर्क करने लग जाते हैं। इस तरीके से इनकी सर्विस करी जाती है। इनको ज़्यादा नहीं घिसना होता है और ऐसे रफ़ पेपर से तो बिल्कुल नहीं घिसना होता है, क्योंकि जो इसके आगे की सिल्वर है वो क्या होती है, पूरी गायब हो जाती है और ये बाद में अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर इनके बीच में थोड़ा सा भी गैप आ जाए या इसके आगे का सिल्वर जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से मिट जाए। तो ये कॉन्टैक्टर हैं, ये वायर्स हैं, तो इन वायर्स को भी जितनी भी वायर लूज होती है उनको टाइट करना होता है, जितने भी पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं उनको क्या करना होता है, एक बार चेक करके इनकी अच्छे से सर्विस करनी होती है या साफ़ करना होता है। ये कह लीजिए पैनल को एक बार सारे पार्ट को साफ़ करना होता है। तो जो चिलर का कंट्रोलिंग और इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो इसमें स्टार्टर होता है वो आपके कंप्रेसर के लिए यूज़ में लिया जाता है, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप इसकी सर्विस करें तो बहुत ध्यान से मन लगा के करें, और जितने भी कॉन्टैक्टर हैं, जितने भी वायर्स हैं, उनको अच्छे से चेक करना है आपको, क्योंकि बाद में चल के कोई भी दिक्कत आपको फेस ना करनी पड़े। तो कॉन्टैक्टर आपको पता है, स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होते हैं उनके सारे कॉन्टैक्टर की किट आपको साफ़ करनी है, वायर्स चेक करनी है, जो पार्ट जल चुका है इसके अंदर उसको रिप्लेस करना है, जितने भी MCB है उनको चेक करना है। उसके बाद अगर आप करना चाहें तो आप PLC भी देख सकते हैं, यानी कि जो इसके मैग्नम या जो कंट्रोलिंग वाला पार्ट होता है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो खासकर जो सर्विस होती है वो इस इलेक्ट्रिकल पार्ट की होती है जिसके अंदर कॉन्टैक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कॉन्टैक्टर किट आप किस तरीके से साफ़ करेंगे वो आप आगे चल के वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद वायर को आपको हर एक पार्ट को अच्छे से टाइट कर लेना है, क्योंकि कुछ लंबे समय से इसमें आपको वाइब्रेशन देखने को मिलती है जिसके वजह से क्या होता है, जो वायर्स होती हैं वो लूज़ हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपको हर एक वायर को टाइट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें सर्विस के अंदर आ जाती है किसी भी चिलर के इलेक्ट्रिकल और कंट्रोलिंग पैनल में। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस तरीके के काम करें या करने जाएं इस वीडियो को देखने के बाद, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि किसी चीज़ को भी डिटो कॉपी करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि कॉन्टैक्टर के अंदर या इलेक्ट्रिकल पार्ट के अंदर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि अगर आप रिप्लेस कर देते हैं या उसकी जगह चेंज करते हैं, अलाइनमेंट चेंज करते हैं, पोजिशन चेंज करते हैं, तो वो चीज़ ऑन नहीं हो पाती है और कभी कभी ये डेंजरस भी हो जाता है। तो कॉपी करने से पहले एक बार इन सारी चीज़ों को समझें और उसके बाद इन चीज़ों को अप्लाई करें कहीं पर भी अगर आप सर्विस करने जाते हैं। तब आगे चल के आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई गई हैं, आपको बिना स्किप करे सारी वीडियो देखनी है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से
इलेक्ट्रिकल जो पैनल होता है उसकी सर्विस करी जाती है। तो मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में, तब तक वीडियो को पूरा देखिएगा।
तो चलिए हम पहुंच चुके हैं वीडियो के एंड की तरफ। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्विस करी जाती है या इलेक्ट्रिकल पैनल की सर्विस करी जाती है किसी चिलर के अंदर, कैसा कैसा प्रोसेस है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आपको एक बेसिक नॉलेज ज़रूर से मिल गई होगी इस वीडियो से। अगर आप बाद में कभी इस चीज़ को करेंगे तो आपको एक नॉलेज रहेगी कि किस तरीके से सर्विस करी जाती है। इसके अंदर एक और पार्ट आता है कंट्रोलिंग का। उसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है और उसके अंदर एक पीएलसी लगी होती है जो कि काफ़ी महंगी होती है। तो मैं सजेशन नहीं करूँगा, अगर आपको उसका अगर कुछ भी मेंटेनेंस करना नहीं आता है तो आप उस पर हाथ मत डालिएगा। हाँ, ब्लोअर के थ्रू आप उसकी मिट्टी को साफ़ कर सकते हैं, उसके आसपास का जो पोर्शन है उसको साफ़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का पीएलसी होता है जहाँ पर डिस्प्ले लगी होती है, तो इसको आप प्रोग्रामिंग के थ्रू सेट करते हैं और आप इसको थोड़ा बहुत साफ़ करके इस तरीके से क्लोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सर्विस का काम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।